हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 31 की, जो कि 5 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन एनिमल, और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है और आज की आपकी वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन एनिमल और फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बच्चों, जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन होने से, यानी कि जुड़ने से, जायगोट बनता है और वो फेटस में डेवलप होता है और आखिरी में एक चाइल्ड बनता है, जिसे पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के तौर पर देखा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें एक मेल और फीमेल गैमेट से, यानी पेरेंट से, ऑफस्प्रिंग बन रहा है। अब एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एग और स्पर्म का फ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के तरीके से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जब ये फ्यूजन, एग और स्पर्म का फ्यूजन फीमेल बॉडी से बाहर हो तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, और अगर ये फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म का अंदर हो, फीमेल की बॉडी के अंदर हो, तो ये कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस बेसिस पे दो तरह के एनिमल्स हम डिवाइड करते हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। बच्चों चलिए अब इन्हें देख लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे ओवीपेरस की, तो बच्चों ओवीपेरस वो होते हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का एक्सटर्नल ही होता है, यानी कि ये अंडे देने वाले जीव हैं, ये अंडे देते हैं और इनकी एक्सटर्नल जो मींस है उसी में ये इनका डेवलपमेंट होता है एग्स का। तो प्रोटेक्शन जो होती है वो बेस्ड होती है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, और जो फ्यूटस जब मैच्योर हो जाता है तो वो एग से निकल जाता है, जैसे कि बर्ड, फ्रॉग, फिश एट्सेट्रा में। और ये है, अगर वीवीपरस एनिमल है तो वीवीपरस में जो डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रॉय का, मतलब एग और स्पर्म का जो मैचिंग होगा वो कहाँ पर होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा, और फर्टिलाइजेशन भी वही होगा, जिस वजह से इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं डॉग, कैट, ह्यूमन, इस तरह के हैं बच्चों। तो अब अगर मेन बेसिक डिफरेंस की बात करें बच्चों ओवीपरस और वीवीपरस की, तो हम देखेंगे एक एग देता है, दूसरा बर्थ देता है बच्चों को सीधा। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है, इसमें खाली इंटरनल है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट एक चीज़ है बच्चों, वो मिलती है एग योक से, यानी कि जो जर्दी होती है उससे मिलता है इसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई। और जो वीवीपरस है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो मदर से मिलते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट, यानी कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेस्ड होते हैं एनवायरनमेंट की, उस एनवायरनमेंट में एग कैसे सर्वाइव कर रहा है, और यहाँ पे नोरिशमेंट और केयर जो कि मदर से प्रोवाइड होती है उस पर बेस्ड होता है। इसके एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल, और इसका है ह्यूमंस, एग, एलिफेंट, कैट्स। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, हाउ डज एम्ब्रॉय ऑफ ओवीपरस एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स? तो वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसे एग योक से बच्चों। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन ओवीपरस एंड वीवीपरस एनिमल। तो ये ही डिफरेंस है जो आपको लिखना है, अभी समझाया मैंने बच्चों ओवीपरस और वीवीपरस में, कि एक अंडा देता है, एक अंडा नहीं देता। एक का एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल, और एक का है ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट, इस तरह का बच्चों। और आखिरी में क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओवीपरस एंड वीवीपरस। एक में इंसेक्ट, दूसरा फिश, ये क्या है आपका ओवीपरस, और वीवीपरस में टाइगर, ह्यूमंस बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपकी वीडियो कंप्लीट और वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।